सीएम सर आज का सीएम सर एक मिनट बोल रहे हैं आगे से विनय जी पीछे सब काम शुरू हो गया है, कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने के लिए यहीं पर सब और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 तो आप देख लो 25 का 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको होगी। तो वही सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए हैं कि काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा किए इस बार भी चल करके देख लीजिए, भाई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आवेंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सबको हम लोग मदद करते हैं। सीएम मुख्यमंत्री सर चिकित्सा मंत्री चिकित्सा राहत उससे हम लोग मदद करते हैं सर, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं हो। सर गायघाट में एक बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की अभी कहीं भी आईडीएम को देख रहे हैं चलिए घट गई है तो उसको देखेगा। अब दूसरी बात है जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। सीएम सर आज का सीएम सर एक मिनट बोल रहे हैं आगे से विनय जी पीछे सब काम शुरू हो गया है, कुछ काम भी पूरा हो रहा है और इस साल के अंत तक समूचा काम पूरा हो जाएगा। तो बाहर किसी को जाने के लिए यहीं पर सब और इसके बाद यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी हम लोग और एक्सटेंशन करेंगे 2500 तो आप देख लो 24 का 2500 बेड का। तो ये सब कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि कितनी सुविधा सबको होगी। तो वही सब सोच करके हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो पहले भी आकर के देख लिए हैं कि काम, तो अभी हाल ही में हमसे चर्चा किए इस बार भी चल करके देख लीजिए, भाई बन के तैयार हो जाएगा तब फिर हम आवेंगे अंत में यहाँ देखने के लिए। तो आप जरा देख लीजिए और आप लोग अगर हो सके तो इन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि लोगों के इलाज के लिए राज्य में किस तरह से सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है और सब लोगों को जो भी यहाँ ट्रीटमेंट का शिकार होगा उस सबको हम लोग मदद करते हैं। सीएम मुख्यमंत्री सर चिकित्सा मंत्री चिकित्सा राहत उससे हम लोग मदद करते हैं सर, ताकि किसी को भी गरीब गुरबा तबका को कोई दिक्कत नहीं हो। सर गायघाट में एक बड़ी घटना घट गई है, 30 लोगों की अभी कहीं भी आईडीएम को देख रहे हैं घट गई है तो उसको देखेगा। अब दूसरी बात है जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। ठीक